संक्रमण में तो अरे उधर इधर उधर इधर इधर जो भी बोलेगा पास ऑन करना पड़ेगा ये माइक में भी आवाज नहीं पकड़ेगा क्या पकड़ लेगा आपकी आवाज इतनी आवाज तो चलेगी ना आप लोग ये रोल करवा बोलते है ना कौन वो मेरे फटे हुए नहीं मेरे फटे हुए नहीं है सॉरी मेरे फटे हुए जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया किस जमाने में हम लोग ये सब ऐसे फेंक देते थे किस जमाने में यहाँ तक तो पहनते ही थे रगड़ रगड़ के इतना तो फाड़ ही देते फिर इसको शॉर्ट्स बना देते थे तूने तो मतलब चलो कोई बात नहीं लुक यही कहूंगा मैं भी खुद एक लंगू मैंने तो इनकी तारीफ ही की तो नहीं 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 कोई बात नहीं हम सब लंगूर थे फोटो ऑफिस ओके दोस्तों एलन आ रहा है एलन आ रहा है आओ एलन प्लीज एक डायरेक्टर सर भी आ रहे हैं एक सेकंड डायरेक्टर है ना इधर डायरेक्टर है ना सर प्लीज हां थैंक यू थैंक यू थैंक यू Good to be back with this all the flashes. दो साल से बोल गए थे फ्लैश का टीवी पे देखते थे सिर्फ सॉरी यार मैंने लास्ट अभी चेक किया था तेरा प्रोफाइल माफ करना हम रोज चेक कर रहे हैं टू सी यू द ट्रेलर लुक क्वाइट अमेजिंग काफी कुछ सस्पेंस छोड़ा है ट्रेलर के एंड में जी क्या कुछ कहना चाहोगे ट्रेलर का रिस्पांस किस तरह से मिला किस तरह से मिला ट्रेलर का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था सबको बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे मिस्ट्रीज़ है इसमें बहुत सारा सस्पेंस है तो एवरीबडी इज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि सबको कैसा लगा सॉन्ग एंड नितिन सर यू हैव केम अप विद अ न्यू लुक एंड चश्मा बियर्ड फैंस आर रियली रियली लाइकिंग इट एंड दिस इज द होल पार्ट अबाउट आवर इंडस्ट्री और एज एन एक्टर इस वही है कि यू नो आप कुछ ऐसा करो कि लोगों को इंट्रीक बना रहे कि ये एक्चुअली क्या है या इसने नया किया है तो उसमें क्या होगा उसके कैरेक्टर में एंड मतलब इस जो ट्रेलर रिलीज हुआ है जो मकसद होता है या जो सीरीज़ है द होल थिंग इज़ मिस्ट्री क्या कैसे हो रहा है क्या हो रहा है तो वो ट्रेलर में सब आ रहा है एंड पीपल आर लाइकिंग दैट एंड इट हैज स्ट्रक अ कॉर्ड आई वुड से कि एक होता है ना कि ट्रेलर का मकसद ये होता है कि लोगों को ये लगना चाहिए कि यार क्या मस्त है यार ये मुझे देखना है तो इट हैज़ डेफिनेटली वो इंट्रीक है और लोगों को ये इसीलिए देखना है कि ट्रेलर इतना अच्छा है और यू नो परफॉर्मेंसेस आर गुड एंड ऑफ कोर्स लवली को स्टार्स एज यू वांट And in your recent past, you have done so many things, and this is something new we are seeing as a fan point of view. So, what was the first thing came in your mind when you saw the script? Well, you know, when Nitesh came up to me, the director, he said, "This time, you know, let's do something different." I said, "Yeah, different." I मैंने बहुत सुना है ये word different हम सुनते हैं रोज सुनते हैं इतनी scripts आती हैं बोलते हैं यार सर ये देखो एकदम different है आपने कभी किया ही नहीं होगा पता चलता है कि ऐसे में चार पांच बार कर चुका हूँ और बहुत बार कर चुका हूँ कुछ नहीं एक लास्ट
ट्विस्ट मार देंगे या एक कुछ ऐसा सीक्वेंस डाल देंगे, देखा इसमें ये था आपने ये नहीं किया होगा, उसमें वो था वो नहीं किया, बट ये वाकई में अलग था बिकॉज यू नो एक एक मिस्ट्री है इस, ये चल के भी आता है ना फ्रेम में तो पीपल विल थिंक क्या है ये कैरेक्टर, तो वो था वो यू नो उस कैरेक्टर के पर्सनैलिटी में वो लाना, उस एक तो लेयर्स हैं, एक तो क्या है लोगों के सामने बहुत ही मतलब शरीफ है और बहुत ही ऐसा है, आगे क्या है वो तो आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है, बट एक मिस्ट्री तो एक चैलेंज था, बोला चलो यार करते हैं समथिंग डिफरेंट व्हिच आई हैव रियली नॉट डन। And we saw you, खतरों के खिलाड़ी की बात करें उसमें भी काफी challenging था and you have done so many challenging things in your life yes. in age of 19 so Thank do you, you like facing challenging things in Yes, of course. As an actor, I always prefer doing roles which challenges me in a way because then I learn a lot. Because I think this is the period of time where I'm always learning, always trying new things. So I think it teaches you a lot of things. And every role that I take up, like even I did a film called Am I Next, which went to international film festivals, and it did really good. Thank you. I won Best Actress in Boston. Unfortunately, because of COVID, I couldn't go. But it's also a social cause. It's about a social cause and you know it was a very difficult and a very challenging role but when I do roles like this it really like you know I have to do my best and I have to do different like I really want ki when people see Muskan they only see Muskan they don't see Anushka's acting as Muskan so that's why I do challenging things and it's really working out for me really great and is saal mujhe literally 11 saal ho gaye as an actor and as an influencer it's been 5 years so I'm really grateful for all the fans who give me so much love and as you said it has been 5 years so how do you see social media and OTT platform in your life Of course, see, as an actor, I have been working since I was 8, but then influencing started 5 years back, and I just do it for fun, genuinely. It's not a job for me, it's just something I really like connecting to people. You know, in general, I like talking to people, to know about them, I like telling people about me. So, you know, I see Instagram that way. I would be very frank, I'm sorry to cut her. No. And at this field, we are in this field. यू नो इसलिए नहीं कि हमें कुछ है या यू नो हमें वी आर एडिक्टेड और व्हाटएवर बट वी वांट टू बी अपडेटेड वी वांट पीपल टू नो क्या चल रहा है हमारी लाइफ बिकॉज़ दे वांट टू नो राइट हाउ एल्स डू यू कनेक्ट विद देम सो सोशल मीडिया हैज बिकम अ मीडियम दैट्स ट्रू जिसके थ्रू यू नो दे आर कनेक्टेड विद अस और दे यू नो व्हाट वी आर डूइंग और कहां हैं हम लोग हमारा क्या प्रोजेक्ट्स आ रहा है तो सोशल मीडिया हैज बिकम दैट वे हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट ट्रू सो यू हैव टू यू नो बी कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया अदरवाइज इतने सारे लोगों के साथ उन लोगों को हमारे साथ कनेक्ट होने में एक यही मीडियम है वो कन्वीनियंट फील करते हैं यू नो तो हमें भी यू नो इसीलिए अपडेट रखना पड़ता है कि यू नो दिस इज हैपनिंग हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं मुस्कान यू सी झांसी की रानी और यू सी यू नो ऑल द अदर रोल्स दैट आई हैव डन बट हू इज अनुष्का सेन दैट दे नो काइंड ऑफ थ्रू सोशल मीडिया राइट सो या OTT platform because we have saw you many times on television and other different platforms OTT platforms and how do you see OTT platforms in your life I would see it as like you know OTT is a boon for lot of actors because I know so many of my friends my colleagues I would say you know of us in this industry who are now so busy because of OTT because the real content has been made and good stories with good characters challenging roles and you know likewise for everybody in our industry like you know for a camera guy for a technician for the director for the choreographers for VFX guys for everyone it's a boon because you know they're constantly creating and something new or else is happening and if you are a good actor you definitely are you know working non-stop So yes, it's a boom right now on OTT. I see it as when we had entered in TV and there was a boom in TV and we were busy. It's the same phase with OTT now. It's a boom. I just, you know, hope that it stays forever
And TV and OTT, you know, run simultaneously yeah. because people who watch TV, like our parents, our elders, they don't want to, you know, go onto Netflix and, you know, unless you put it on for them and they say, okay, this is clean and this is nice subject and they can watch it. Otherwise, they will never go on to, they're used to their TV. TV देखते हैं वो लोग आराम से बैठ के तो ये एक है बस उतना फास्ट ना है बट वो साइमल्टेनियसली चलता रहेगा OTT भी चलेगा TV भी चलेगा और सिनेमास तो यू नो चलते ही रहेंगे मूवीज तो यार अभी थिएटर्स आर बैक सो मूवीज तो थिएटर्स में ही देखनी चाहिए देखो यार नाम में सस्पेंस हो हम कुछ भी रख सकते थे नाम मुस्कान भी रख सकते थे इसका नाम मनोहर भी रख सकते थे इसका नाम कुछ भी रख सकते थे बट एक्चुअली स्वांग मतलब जो धोखा दे रहे हैं लोगों को कौन किसको धोखा दे रहा है कौन इच एक एक एवरी मोमेंट यू फील कि ये उसको धोखा दे रही है इसका एलन का कैरेक्टर उसकी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा है उसकी गर्लफ्रेंड किसी और को तो वो चल रहा है पूरा तो इट्स लाइक दैट इसीलिए वो स्वांग एकदम एप्ट है लाइक यू वुड हैव अ डाउट ऑन एवरीबॉडी लिटरली लाइक एवरीबॉडी वुड हैव अ डाउट ऑन कि ये सच है या नहीं है सो दैट्स व्हाट स्वांग मींस एंड आई थिंक इट्स द एप्ट वर्ड फॉर द शो सो लास्टली व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम We are looking well, यार सारे records तोड़ चुका है वैसे भी just teaser आया तो it's broken all the records and आज release हो गया तो अभी मैंने सुना है कि बहुत कुछ problem हो रही है वो लोग देख नहीं पा रहे बराबर से इतना traffic है so we want this kind of response it should explode and I really hope that people really have a good time watching it and I really yes. hope कि वो guess नहीं कर पाए last तक ही I really hope that you know they put in this I'm sure they will put in. I am sure you guys have. By now, you have watched the whole series and you want to see season 2. So we are coming back with season 2. Don't worry. Whoa. ट्रेलर एंड जिसको भी मैंने दिखाया उनको बहुत पसंद आया ट्रेलर सो मेरी एक्सपेक्टेशन तो यहाँ थी ऑलरेडी अब ट्रेलर देख के मेरी एक्सपेक्टेशन और ऊपर चली गई है तो मैं तो गेम हूँ आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच द सीरीज इवन आई लव द टीजर ट्रेलर से पहले जब टीजर ही आया इवन द टीजर वॉज सो इंटरेस्टिंग लाइक लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी कि व्हाट इज इट क्या है इवन द टीजर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड देन द ट्रेलर ऑल्सो लुक सुपर्ब एंड द बेस्ट थिंग इज दैट इट्स अ मिनी सीरीज आप लोग देखेंगे विद इन हाफ डे ओनली यू कैन फिनिश इट एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज द सस्पेंस एंड व्हाट इज द क्लाइमैक्स व्हाट इज द थ्रिल ऑल अबाउट So there's a lot of mystery in it. So you have to watch it and then you'll get it. और वेब सीरीज का तो अभी असली मजा ही बिंज वॉच करने का होता है एक बार देखो तो फिर खत्म करके ही उठो Yes, I agree. What do you want to say about your role? So my character is of a NGO girl, जो कि एक NGO चलाती है मेरे character का नाम है प्रीति और underprivileged लड़कियों की मदद करती है NGO में ताकि वो पढ़े लिखे और फिर आगे चल के अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ बट उसके भी अपने शेड्स हैं कैरेक्टर के एनजीओ चलाने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत है कहीं से फंड्स मिल रहे हैं कहीं से नहीं मिल रहे हैं स्वांग रचा रही है अपना तो वो उसी कश्मकश में रहती है कि यू नो कहीं से भी एनजीओ बंद ना हो जाए सो ऑल दीज शेड्स आर देयर विद हर कैरेक्टर एंड वंस यू वॉच इट यू विल गेट टू नो बट इट्स अ नाइस इट्स अ सिंपल कैरेक्टर बट दिस ऑल्सो हैज लॉट ऑफ शेड्स इन इट मैं प्ले कर रहा हूँ एक रिपोर्टर का कैरेक्टर और उसका नाम है सायन सो मैं बेसिकली ये सायन जो है ये इसकी गर्लफ्रेंड भी जैसे आपने देखा होगा प्रोमो तो इसमें क्या होता है मिसिंग हो रही होती हैं लड़कियां तो इसकी गर्लफ्रेंड जो भी एक रिपोर्टर थी वो भी मिसिंग हो गई है तो ये उसको ढूंढने के लिए दिल्ली से ऑल द वे आता है धर्मशाला
और फिर वहाँ पर आके बहुत सारी चीज़ें इसको समझ में आती हैं, नहीं आती हैं, मिस्ट्रीज में उलझ जाता है, बट गिव अप नहीं करता और जो भी स्वांग रचा हुआ है उसकी जड़ तक पहुँच के ही रहता है। तो अंडरडॉग टाइप का कैरेक्टर है और फाइनली अपनी मंजिल तक पहुँचता है, वो उसकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। See, the best part of my role was like as an actor, I loved those moments जहाँ पर अपनी girlfriend को याद कर रहा है, तो इसके अंदर वो pain भी है और focus भी है कि मेरे को पता लगाना है कि वो किधर है। और इस character की सबसे strong point जो है कि कभी give up नहीं करता, he never gives up, Sayan never gives up, वो end तक सारे threats के बाद सबके बाद खड़ा रहेगा, अपने अपने mission की तरफ चलता रहेगा। I think the best part, starting only like whatever work she is doing for underprivileged girls, वो उन्हें help कर रही है पढ़ाने लिखाने में, वो itself the role is good and her character is good. I enjoyed playing क्योंकि simple role है, simple लड़की का role है और काफ़ी मज़ा आया एक डी ग्लैम रोल प्ले करने में, which I think is the best part. So that is what I loved. And apart from you, Anushka is there, Hiten sir is there. So how was your experience working with them? अरे we had an amazing time. मतलब ऐसी bonding हो गई थी कि co-actors ज़्यादा दोस्त बन गए सब। मानसी है, हितेन भाई है, इन लोग को तो मैं फिर भी पहले से जानता हूँ, because हितेन भाई और हम लोग सब में क्रिकेट खेलते हैं and मानसी and I work together and we are very good friends otherwise also. It was very good, very friendly atmosphere with the director also, with all the co-actors. हम लोग और अनुष्का भी ऐसे हमारे साथ ही ऐसे ब्लेंड हो गई जैसे यू नो कि लाइक एलन और मैं तो वी कैन से हम लोग सेम एज के हैं, बट या अनुष्का इज यंगर टू अस, हितेन सर इज सो सीनियर टू अस, बट इट जस्ट डिडंट फील कि वो सीनियर है, सब एक ही ब्लेंड हो गए। ही वाज इवन मोर यंगर एंड बिंदास विद अस कि हमें लग रहा था कि हम बड़े हो गए, यू नो वो इतने छोटे एंड ही वाज लाइक क्रैकिंग जोक्स एंड ऑल एंड उनसे कुछ भी बात करो, ही इज वेरी अप्रोचेबल एंड यू कैन maybe talk to him about acting or about anything under the world, और वो उसको भी बहुत ही अच्छे hilarious way में you know he will explain it to you, simple way में he will explain it to you, and of course Anushka के साथ भी, Alan के साथ भी काम करने में बहुत मज़ा आया, प्रकाश जी ही इज ऑल्सो वेरी सीनियर एक्टर, उनके साथ भी अलग एक्सपीरियंस था। मानसी ने बहुत गलत किया, प्रकाश जी कहते हैं कि मैं डाइट पे, और मानसी ने उनके समोसे रखो ये रखो वाली वीडियो बना के डाल दी। एक्चुअली मैंने इन सब का BTS लिया है, विच इज़ मेरा अपना हैबिट है सबको रिकॉर्ड करने का, तो मैंने सबका BTS लिया, उनके BTS में समोसे आ रहे थे तो मैं क्या करूँ। तो वो भी रिलीज़ होगा आफ्टर द स्वांग इज़ रिलीज, देन माई व्लॉग विल बी रिलीज, एंड येस आपको सबके इंटरेस्टिंग साइड्स देखने को मिलेंगे उसमें, सो डू वॉच इट। माय फेवरेट सो समायरा है, एक और लड़की है जो डिम्पल का रोल प्ले कर रही है वो, और ये एलन, और वो सो समायरा बहुत अमेजिंग एरोबिक्स बंद करती है एंड बैक फ्लिप्स करती है, सो उस एक्रोबैट्स करती है, सी मेरा तो स्पोर्ट्स इतना बुरा है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि वो एक्रोबैट्स करती है, तो वो एक्रोबैट्स करती है, बहुत अमेजिंग बैक फ्लिप्स करती है। तो वंस किसी और का सीन चल रहा था, हम लोग सब बैठे थे एंड उसने वो करके दिखाया, बैक फ्लिप करके दिखाया, फिर इसने अपना कुछ योगा का करके दिखाया, सो वन बाय वन हर कोई कुछ ना कुछ करके दिखा रहा था एंड आई हैव इट ऑन माई कैमरा एवरीथिंग, सो दैट वॉज माई फेवरेट BTS मोमेंट। और हमें पता नहीं होता है क्योंकि अभी तक आदत नहीं है ना, कोई BTS भी ले रहा होगा, हमारे लिए तो भाई ये मेन कैमरा है, अब ये नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब छोटे वाले जो कैमरा इधर उधर लग जाते हैं ना उनसे बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अरे बट इट्स अ गुड थिंग ना, इट्स अ गुड थिंग, या देन या वी शुड नो। एंड टॉकिंग अबाउट हितेन सर, काफी इंटेंस लुक लग रहा है उनका, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर लुकिंग हितेन सर लाइक दिस, सो हाउ डू यू सी हितेन सर? Yeah, he is looking good. He's done a fabulous he's job. He's done a fabulous job, and yeah, और हमें तो उनसे सीखने को ही मिलता है, हमारे सीनियर एक्टर हैं। Also, he's an amazing actor. मैंने अभी उनको recently भी एक और series में भी देखा. Of course, TV में तो हमने उन्हें इतने सालों से देखा ही है. But recently, I saw him in another series also. He's just superb. And in this one also, he's done a great job. So you will all love him very much. Okay,
coverage. So lastly, what kind of response you are looking forward from this? We're looking for a great response. Yeah, and we are looking for it to become a big hit. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah.